is Mohammad Ijaz. Today we discuss about algorithm, subject computer class 10. सबसे पहले हमें डिस्कस करना algorithm होता क्या है. तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को अगर हम देखें, एन algorithm is a finite set of steps. किसी भी काम को करने के जो लिमिटेड उसके जो स्टेप्स होते हैं, विच इफ फॉलोड, अगर उसको हम पूरा कर लें किसी खास काम करने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, algorithm. और एल्गोरिथम जो है ना, वो मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड अफेक्टिव. एल्गोरिथम आपका क्लियर होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए और अफेक्टिव होना चाहिए. देखें, जब कोई भी काम करते हैं ना, तो वो लिमिटेड होता है. अब आपको हमने पहले भी पढ़ा, टॉपिक पढ़ा कि जो फ्लो चार्ट है उसमें हम डायग्राम ड्रा करते हैं. अगर किसी मसले को डायग्राम की शक्ल में ड्रा करें तो फ्लो चार्ट था, और अगर उसको स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करना शुरू कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, वो एल्गोरिथम. स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम, अगर आपने एल्गोरिथम डेवलप करना है, बनाना, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. सबसे पहले हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर उसके बाद प्री लिमिटेड एल्गोरिथम, फिर इब्तदाई एल्गोरिथम बना के देखते हैं उसके, फिर रिफाइनिंग द एल्गोरिथम. भी जब हम प्री लिमिटेड एल्गोरिथम बना लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि जो हम प्रोग्राम के एल्गोरिथम बना रहे हैं क्या वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा. अगर तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ठीक बना, तो फिर उसको क्या कर लेते हैं, हम रिफाइन कर लेते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि बेक अ केक इन हाउस. अगर हम घर में केक बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवन को हीट करेंगे 325 डिग्री तक. उसके बाद गैदर द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स उसमें दूध डलता है, चीनी डलती है, जो उसमें चीज़ें डलेंगे वो हम इकट्ठा कर लेंगे. उसके बाद एक बॉल में हम थोरली क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते जाएंगे. अब जब थोरली मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बेकिंग पेन के अंदर हम क्या करेंगे, उसको इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेंगे. उसके बाद जो है ना, 50 मिनट्स तक ओवन के अंदर हम बेक करते जाएंगे. अब ये तो हमारे पास एक एग्जांपल थी केक बनाने की. हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने किसी फ्रेंड को टेलीफोन कॉल करनी, तो उसका भी एल्गोरिथम हो सकता है. मिसाल के तौर पर ये एग्जाम्पल हमारे प्रॉब्लम में भी है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर. अगर आपने किसी फ्रेंड को कॉल करनी है, तो वो कहेगा इसका एल्गोरिथम ड्रा करें. तो ये अपने अल्फाज में, जिस तरह हम टेलीफोनिंग कॉल करते हैं, उसमें अपने अल्फाज में आप स्टेप बाय स्टेप उसको लिख सकते हैं. तो किसी भी मसले को अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लें, तो हमारा क्या बन जाता है, एल्गोरिथम.